वज़ीर आला की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के फंड्स की रकम बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। 5 रोज बाद फंड्स की रकम में इजाफा ना किया गया। यूनियन सदर सैफुल्ला का कहना था कि रकम में इजाफे की तहाल कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। बात कर रहे हैं सभी उल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। सभी 6 रोज बाकी रह गए हैं 100 रोज मुकम्मल होने में। 5 रोज पहले मंजूरी दी गई थी, यहाँ तो अपने अफसरान के शिकवे शिकायत खत्म नहीं हो रहे, नई हुकूमत क्या करेगी? जी बिल्कुल, नई हुकूमत भी आई और जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक अच्छा एग्जाम भी जो है वो भी किया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। लेकिन 5 रोज गुजरने के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन को जो बेनेवोलेंट फंड में जो इजाफा है उसकी रकम अब तक नहीं मिल सकी। और ऐसा कहना है कि जो रकम है उसकी जो मंजूरी है वज़ीर आला पंजाब 14 नवंबर को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उसकी मंजूरी का बाकायदा तौर पर फाल नहीं की गई, उसकी मंजूरी पर अमल दरामद नहीं किया गया। इसमें ग्रांट को भी बढ़ाया गया था, 10,000 से 15,000 रुपये ग्रांट जो है वो की गई थी और जो मैरिज ग्रांट है 15,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की जो है तजवीज पेश की थी वज़ीर आला ने, जिसकी बाकायदा तौर पर जो है मंजूरी भी दे दी है। लेकिन अभी तक 5 रोज गुजर चुके हैं और इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। महकमा की जानिब से अब तक रकम में इजाफा नहीं किया गया, ऐसा कहना है यूनियन सदर का। और इनका ये भी कहना है कि रकम के इजाफे का इम्कान है, मगर अभी तक हमें कोई हदायत जो है वो मौसूल नहीं हुई है। जी ठीक है, 5 रोज बाद भी फंड्स की रकम में इजाफा ना हो सका। बहुत शुक्रिया सबील हसन आपका।